देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य, 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से, मैं खिलाड़ी होने के नाते देश के सभी खेल संघों से, अपने देश की सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से, सभी खिलाड़ियों के हित के लिए मांग करता हूं कि देश के सभी खेल संघों से बात करके एक से अधिक टीम को अवसर दिया जाए उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है और छोटे छोटे राज्य 5 लाख 10 लाख या करोड़ 2 करोड़ की आबादी के राज्य, वहाँ से एक एक टीम खेलती हैं और इतना बड़ा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी एक ही टीम जाती है, तो सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि अवसर बहुत सीमित है और हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाएं अपार हैं हमारे पास में। तो इसलिए हमारी मांग है खेल हित में, खिलाड़ी हित में, और उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि देश की जो रणजी ट्रॉफी होती है उसमें गुजरात से 3 टीमें खेलती हैं, सौराष्ट्र, गुजरात और बड़ौदा। महाराष्ट्र से 3 टीमें खेलती हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, विदर्भ। ऐसे ही तमाम राज्यों में जो छोटे राज्य हैं वहां से भी 1 टीम और इन 2 राज्यों से 3-3 टीमें, ये उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। तो हमारे खिलाड़ियों के साथ में न्याय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत स्पर्धा है और खिलाड़ियों के अंदर जोश, जुनून और जज्बा है, लेकिन उनको अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए अवसर सीमित है, इसलिए एक से ज्यादा टीमों को स्थान दिया जाए। देश के सभी खेल संघ सारे ही खेलों के, चाहे वो इंडिविजुअल गेम हो या टीम गेम हो, सभी में हमारे उत्तर प्रदेश से एक से अधिक टीम को अवसर दिया जाए ताकि हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकें, प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, अपने प्रदेश का नाम कर सकें, देश का नाम कर सकें। ये इसलिए हमारी मांग है और इस मांग में हम एक बार पुनः अपने भारत सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि सभी खेल संघों के साथ बैठकर खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम और अवसर देने का काम सरकार कर रही है, हमारी राज्य की भी और देश की, ऐसे ही उनको ये अवसर भी प्रदान करने का काम करें, जिसके लिए हम सभी खिलाड़ी आपके हमेशा आभारी रहेंगे।